दोस्तों लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये क्या साबित हो गया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुसलमानों को किसी भी लेवल पर जाकर वोट कास्ट करने नहीं दिया जाए। और ये कोई गुंडा मवाली नहीं करेगा, कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, बल्कि आगे आकर सत्ताधारी दल के दबाव के चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। वहां मुस्लिम पुरुषों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाएगी, गाली गलौज किया जाएगा और ये सब लोकसभा चुनाव के ठीक बाद सबसे तेज रफ्तार से हो रहा है। दरअसल आप सबको पता है कि 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन एक सीट इसमें एक ऐसी भी थी जहां मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां बीजेपी का खाता कभी नहीं खुला और इसी बात से बौखलाई हुई थी बीजेपी। उसके बाद जो करतूत सामने आई है उसे देखने के बाद आप सिर्फ इन्हें लानतें भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए 10 जुलाई को, नतीजे 13 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे गंभीर तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो इस देश का जो चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त तो साहब है वो शेरो शायरी करने में व्यस्त है, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसके बाद सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना है कि जो पुलिस वाले जो अधिकारी पुरुषों से, खासकर मुस्लिम पुरुषों मुस्लिम महिलाओं से बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे थे, क्या चुनाव आयुक्त महोदय राजीव कुमार साहब ने जाकर पूछा कि इन पुलिस वालों के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि जिसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और जिस महिला को खदेड़ दिया इन पुलिस वालों ने, क्या उनका वोट कास्ट हो पाया? ये जानना बहुत जरूरी है राजीव कुमार जैसे अधिकारियों से, क्योंकि ये शेरो शायरी बहुत अच्छे करते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, इस देश ने चुनाव आयुक्त नहीं है बल्कि वो चुनाव आयुक्त के नाम पर मुशायरे करने वाले एक शायर है। तो ऐसे आदमी को मुशायरा करना चाहिए, चुनाव आयोग की कमान नहीं संभालनी चाहिए। फिलहाल मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। माफी चाहेंगे, कुछ ऐसी संस्कारों वाली, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही उत्तराखंड में, तो वहीं उसी के संस्कारों की नुमाइश थी, गाली गलौज कर रहे थे। अब मैं बता देता हूं उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी वोटिंग हुई, एक थी बद्रीनाथ सीट और दूसरी है मंगलौर। बद्रीनाथ सीट पहले कांग्रेस के पास थी और अब जो दूसरी सीट है वो सीट है मंगलौर की। मंगलौर में बताया जाता है सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल है, मुस्लिम आबादी है वहां पर, और दूसरे नंबर पर दलित आबादी, मतलब दोनों का एक मिला सुना आसार है। इसलिए कांग्रेस और बीएसपी हमेशा वहां से वोट जीतती रही, चुनाव जीतती रही, बीजेपी वोट जीत नहीं पाई, मतलब कभी ये सीट जीती नहीं है मंगलौर की। अब इन सब के बीच हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले से ये जख्मी हो चुके हैं, पूरे देश ने देख लिया ये कैसे मुसलमानों ने एकजुट होकर इसलिए वोट कास्ट किया क्योंकि इन्हीं के अपने नेता अनंत हेगड़े, ज्योति मेड़दा, लल्लू सिंह जैसे नेता चिल्ला रहे थे कि 400 पार तो कराओ, संविधान बदल देंगे, खुद कह रहे थे। बात अलग है कि मोदी जैसे जो प्रधानमंत्री है देश के, वो अपने ही नेताओं की बात को झुठलाकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, सबने झूठ पकड़ लिया था कि आपके अपने नेता कह रहे हैं। अब मुस्लिम एकजुट होता है और उसने इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया, अब उसी की बात से या तो यूं कहिए चिड़े बैठे हैं, बौखलाए बैठे हैं, या डर गए हैं इतना कि मुसलमानों को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। अभी आपने सुना ही ना, वो एक अधिकारी या आदमी अद्भुत है जो सर पर कैप लगा खड़ा है, इसने देखते ही पहचान लिया कि फर्जी वोटिंग करने आए, ना जांच ना पड़ताल ना कुछ, पहली फुर्सत में इस आदमी ने पहले तो फर्जीवाड़ा पकड़ा, उसके बाद सजा सुनाई भी और सजा दे भी दी। उस मुस्लिम युवक को जमीन पर धक्का मार कर गिरा दिया। द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, क्या लिखा, लोकेशन मंगलौर उत्तराखंड, पुलिसकर्मी ने मुस्लिम युवक पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते उसे गाली दी, धक्का दिया और अपमानित किया। तो ये अपमानित करना नई बात है क्या? अपमानित करना नई बात है? भूल जाते हैं हिजाब वाली लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? भूल जाते हैं आपके इस देश की मस्जिदों का क्या हश्र किया गया? भूल जाते हैं आप क्या इस देश के मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ियां कैसे ऊंची गई? क्या भूल जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब जालीदार टोपी पहनकर निकलते हैं तो गुंडे मवालियों का झुंड उन्हें कैसे घेर लेता है? मत भूलिए, ये तो एक सत्ता का साधन है, ये कैसे भी करके
वोट कास्ट ना कर पाए और जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए, मंगलौर सीट पर चुनाव जीत लिया जाए, उसके लिए पूरी कसरत की गई थी। वीडियो सिर्फ इतना भर नहीं है दोस्तों, एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। मंगलौर की ही वीडियो है, मैं बता रहा हूं ना, जिन 13 सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें से एक सीट ऐसी है जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और मैं पहले से बता रहा हूं या तो ये चिड़े बैठे हैं मुसलमानों से कि मुसलमानों की वजह से बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया। यकीन मानकर चलिए, मुस्लिम और कई जातियों ने, हिंदुओं की कई जातियों ने मिलकर एक साथ वोट कास्ट किया इंडिया गठबंधन के लिए, इसीलिए आज देखिए भीगी बिल्ली बनकर बैठी हुई है बीजेपी, हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, जहां जहां सत्ता में है वहां मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह के यत्न प्रयत्न किए जा रहे हैं। निगार परवीन ने ट्वीट किया, कहने का उत्तराखंड के मंगलौर उपचुनाव में मुंह बंद कराए गुंडों ने मुसलमानों को पीटा, ये वीडियो देखिए और शर्म कीजिए। क्या लोकतंत्र में इस तरह गुंडागर्दी से वोट डालने से रोका जाना ठीक है? यानी ये मत सोचिए कि खाकी पहने हुए लोग ही रोक रहे थे, कई गुंडे मवाली लगाए गए हैं, जाने नहीं दे रहे, पथराव कर देते हैं, मार रहे हैं, जो वोट कास्ट करने जा रहे थे जाने नहीं दे रहे। यही काम बूथ पर पहुंचने के बाद, मतलब टू लेयर सिक्योरिटी चल रही थी मंगलौर सीट पर, मैं तो यही कहूंगा ना, टू लेयर सिक्योरिटी। फर्स्ट लेयर में क्या है कि मुसलमान अपने घर से बाहर निकल रहा था, उन्हें पीट दिया गया, गुंडर की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकले, कुछ को रस्ते में रोक कर कूट दिया गया, वो घर लौटा दिए गए। ये तो फर्स्ट लेयर की हो गई सुरक्षा, यानी एक पूरी सुरक्षा दी गई थी गुंडा गुंडे मवालियों के हाथ में। सुरक्षा किसके लिए है? बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, बीजेपी के लिए, कि आप चिंता मत करिए, हम आपको जिताएंगे। गुंडे मवाली क्यों पाल रखे हैं, यही तो कहूंगा मैं। बताइए इनमें से कितनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अब तक संज्ञान लेकर कार्रवाई की है? हाँ, शायरी करवाऊं राजीव कुमार से सुन लेना जाकर, चुनाव आयोग का काम नहीं है उनका, निष्पक्ष चुनाव कराने का ठेका नहीं लिया है उन्होंने, उन्होंने शेर शायरी का ठेका लिया, रात भर जागते हैं शेर लिखते हैं। फिलहाल तो फर्स्ट लेयर की क्या हुई, ऐसे गुंडे मवालियों के हाथ की मुस्लिम बस्ती में घुसकर उन्हें कूटो पीटो और इस तरह के हालात पैदा कर दो कि वो निकल ना पाए, पहला। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जब आप जैसे तैसे अगर कोई मुस्लिम पहुंच भी जाता है अपने परिवार की महिलाओं के साथ, तो वहां जो पुलिस वाले खड़े हैं वो आपकी अवभगत कर देंगे, आपको गालियां देंगे, धक्के मार के गिरा देंगे, आपको फर्जीवाड़ा करने वाला घोषित कर देंगे, जेल जाने की ठूस देने की धमकियां दी जाएंगी। ये तमाम काम किए गए मंगलौर सीट पर किए गए, और आज मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन तमाम तरह की हरकतों के बावजूद देखिए, मंगलौर सीट बीजेपी के हाथ आने वाली नहीं है। हाँ, खुन्नस जरूर इन्होंने निकाल ली लोकसभा चुनावों के लिए, और फिर कहते हैं कि निष्पक्षता का सर्टिफिकेट हम कैसे देते हैं, सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं। सोचिए, उत्तराखंड जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां एक पुलिस वाला मुस्लिम महिलाओं को गाली दे रहा है, और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मैंने 3 तलाक से आजादी दिलाई, मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूं। यह है 3 तलाक से आजादी, यह आजादी का मतलब महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं, आधी आबादी के सम्मान का जिक्र करते हैं। क्या किसी ने इस वीडियो का संज्ञान लेकर यह जानने की कोशिश की है कि कितने मुस्लिम वोटर्स थे और कितने वोट कास्ट कर पाए? ये एकजुटता से डरते हैं, ये सत्ता परिवर्तन से डरते हैं, ये डरते हैं कहीं इनकी कुर्सी न खिसक जाए। जवाब देना होगा उत्तराखंड वाले मालिक को, अपने बड़े मालिक को, कि भाई हाँ, हमने ये करके दिखाया है, इन 2 सीटों पर हमने जबरदस्त कमाल किया, देखिए देखिए हमने मुसलमानों को कुटवाया, और इसी के लिए पूरी पूरी संरचना थी। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मुसलमानों को क्यों रोका जाता है। कई चुनावों में हुआ, उत्तर प्रदेश में कई बार हुआ, लेकिन इस बार मुसलमानों ने जो इतिहास रचा, इस कम्युनिटी ने खास तौर पर जो इतिहास रचा है, उसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। नमस्कार।